हेलो दोस्तों, आज जानेंगे कि सीटेट का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है बहुत ही प्रसिद्ध, इस पर से हम आज जानेंगे आंकड़ों के जरिए कि सीटेट का रिजल्ट कब जारी होगा। यहाँ देखिए, मैं आपको पिछले आंकड़े दिखाता हूँ कि सीटेट कब हुई थी और कितने दिनों में इसका रिजल्ट आ गया था। तो इस हिसाब से अब देखिए आप, सीटेट दिसंबर 2019, सीटेट जुलाई 2019, सीटेट करेक्शन फॉर्म 2018 वाली सीटेट देखिए अब, क्योंकि 2016 सितंबर 2016 के बाद में अब हुई थी ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीटेट की का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये इधर मेरा कर्सर चल रहा है, इधर देखिए एग्ज़ाम डेट 9/12/2018 थी, यानी 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। आंसर की कुछ दिनों बाद आई और इसका रिजल्ट देखिए कब आया, 4/1/2020 को, 4/1/2019 यानी 4 जनवरी 2019 को। तो 9 तारीख से 4 तारीख के बीच का जो दिन हुए वो हुए 9 और 31 तक, 20, 21, 4, 25, 25 दिन में आपका रिजल्ट आया था ये। उसके बाद जो हमारी सीटेट हुई वो हुई थी हमारी 2018 में, वो 2019 में हुई थी। 2019 में कब हुई थी, 2019 में 7 जुलाई 2019 को हुई थी। वो देख लीजिए, मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ। 7 जुलाई 2019, हाँ जुलाई 2019 वाला ही रहा। तो ये देखिए, ये 7 जुलाई 2019, 7/7/2019 को एग्ज़ाम हुआ था। आंसर की 24 तारीख को आई थी इसकी, ठीक है, 24 तारीख को, और रिजल्ट इसका 30 तारीख को आ गया था, ठीक है, 30 तारीख को रिजल्ट भी आ गया था इसका। तो कितने दिनों में रिजल्ट आ गया, ये 7 से लेकर 30 यानी कि 23 दिनों में इसका रिजल्ट आ गया था पिछली बार। तो पहले 25 दिनों में रिजल्ट आया, फिर 23 दिनों में रिजल्ट आया, और अब की बार का भी यही आंकड़ा दर्शाता है कि इस बार रिजल्ट कब आएगा। अब सीटेट कहाँ है, अब ये रहा सीटेट। अब सीटेट कितनी तारीख को हुआ है, ये देखिए 8 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है। आंसर की 23 तारीख को आ गई है, ठीक है, पिछली बार से 1 दिन पहले ही आंसर की आ गई है, समझ रहे हैं। पिछली बार 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और 24 तारीख को आंसर की आई थी, और इस बार 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है और 23 तारीख को ही आंसर की आ गई है, यानी कि 1 दिन पहले आंसर की आ गई है। उस हिसाब से अब की बार जो रिज़ल्ट आएगा वो 23 की बजाय 22 दिन में आने के आसार हैं, 23 की बजाय 22 दिन में ही आने के आसार हैं, 22 भी नहीं 21 दिन में ही आ सकता रिज़ल्ट। तो इसका मतलब आपका 21 दिन कितने हो जाएंगे, 21 + 8 29, यानी कि 29 और 30, 30 तारीख तक आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। आपको कोई 31 बता रहा हो चाहे 1 तारीख बता रहा हो, 1 तारीख को तो मुश्किल है क्योंकि हॉलीडे होगा सभी में, ठीक है, तो 30 तारीख या 29 तारीख में रिजल्ट आपका पक्का आ जाएगा। यदि आपको हमारा अनुमान अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना चाहें तो कर दीजिएगा, लाइक करना चाहें तो कर दीजिएगा, और अनलाइक करना चाहें, डिसलाइक करना चाहें तो वो भी कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है।